नमस्कार, मैं हूँ ओशीन शर्मा और आज 24 अप्रैल को हमने सर्किट हाउस बिलासपुर में रेखा शर्मा जो कि नायब तहसीलदार हैं, इनकी प्रेजेंस में हमने एक चाय पर करियर की चर्चा एक ऐसा इवेंट रखा था और मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है और उत्साहित हूँ मैं कि इतनी भारी नंबर्स में हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आए, जो ये बात बताते हैं कि बच्चे अपने एग्जाम्स के लिए अपने करियर के लिए कितने ज़्यादा अवेयर हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि रेखा भी अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास यहाँ आई। रेखा शर्मा 2018 बैच की नायब तहसीलदार हैं और बिलासपुर सदर में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं पिछले 1.5 साल से, एंड ये सिरमौर के एक ज़िले से हैं। तो एक लड़की जिस पर शायद कोई विश्वास नहीं करता था कि वो इतनी आगे जाएगी, उसने अपने सपनों को उड़ान दिया, अपने पंखों को उड़ान दिया और आज हमारे बीच में यहाँ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो मैं रेखा चाहती हूँ कि रेखा थोड़ा कुछ बोले प्लीज़। नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, मैं सिरमौर की रहने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ और कि आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। ये हमारे सारे एस्पिरेंट्स हैं और जिनका भी एग्ज़ाम नायब तहसीलदार का है उन सब के लिए ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों पे भरोसा रखें और अपनी उड़ान को कभी भी कम ना होने दें, अपनी चमक को हमेशा बरकरार रखें, एंड मैजिक हैपन्स व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बलिदान दिया है। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी कलम मेरे मुझसे इतनी रूबरू है, मेरी कलम मुझसे इतनी रूबरू है, अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। तो एक जैसे इन्होंने बताया तो आपका गोल भी इतना स्ट्रेट होना चाहिए, है ना, मतलब यही इधर उधर भटको तो उनका भी होता था कि मन उनका भी जाता कि नहीं उनके साथ चले जाए, घूमने चले जाए, पर उनको वो था कि नहीं, उनकी सोच होती है कि हाँ यहाँ पे पहुँचना है तो यहाँ पे पहुँचना है। तो मैं आप लोगों के लिए यही कहूंगी कि आपकी जो सोल है जहाँ पे आप लोग पहुँचना चाहते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लेके चले, है ना। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, पर ये कि हाँ आपको पता है अगर ये दो चैप्टर पढ़ने हैं तो दो चैप्टर पढ़ने ही है, ठीक है, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें आपको, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले इम्पोर्टेंट कौन सी चीज आप लोगों के लिए, स्टडी की, उसके बाद एंजॉय कर लिया। तो मैं लास्ट में बस यही कहूंगी और आप लोग बहुत आगे तक जाएं और मैम इसके लिए थैंक यू, आप जो मुझे आज मौका दिया। कौन सा पेपर दे चुके हैं अभी तक हिमाचल का? कोई पेपर नहीं दिया अभी तक आपने? कोई एग्जाम नहीं दिया अभी? नायब भरा है। और एक और बात बता दूं, अगर तुम लोगों का एम है ना तो प्लीज अपने सारे पेपर भरना, कैरिकल का भी पेपर दो, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, टाइम वेस्टेज नहीं होता है, वो प्रेपरेशन का टेस्टिंग होता है। क्लेरिकल का दो, अलाइड का दो, एनटी का दो, सब इंस्पेक्टर का दो, आसपास स्टेट के कमीशन आते हैं वो भी जाके दो, अपनी तैयारी को टेस्ट तो करो ना, वरना फिर हम उसी में रह जाएंगे कि पढ़ रहे हैं रिवीजन कब करें। अरे दिस इज नॉट अ कॉमन स्कूल वाला हिसाब नहीं है यहाँ की, जो पढ़ा रिवाइज किया और वही आया, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मल्टी डायमेंशनल एंड वेरी वेरी कम्पिटिटिव। मैं इसीलिए कह रही हूँ सारे पेपर देना, पेपर निकाल के बोलना मेरे लायक नहीं है, उससे पहले मत बोलना, ठीक है। तो ये है, बट एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने कोई कमेटी गठित हुई है, मैं वो पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो तुम्हारे लिए अभी इस मंथ मार्च का जो है करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर फरवरी का थोड़ा इम्पोर्टेंट, फिर तुम्हारा जनवरी का, ऐसे पीछे पीछे जाते जाओ कम से कम जुलाई तक, जुलाई तक तो तुमको करना ही करना है। जिस बच्चे को लगता है मैंने कसर ही नहीं छोड़नी तो वो जनवरी तक चला जाए पीछे। तो 2021 जनवरी से लेके अभी तक का अगर तुम कर लेते हो मोर देन सफिशियंट करंट अफेयर है, इसके बाहर नहीं आएगा। प्लीज स्टडी आई क्यू जरूर जरूर पढ़ लेना, जिन्होंने पेपर देना है अभी, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ज्ञान हमको फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो करंट अफेयर तो सेम ही रहते हैं ना, वो कौन से बदलने वाले हैं, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, चाहे अभी हिमाचल में जो भी अवेलेबल है आपको, तो ज्ञानम मिलती है तो ज्ञानम एक कंपटीशन फोकस नाम से भी आती है शायद सरला पब्लिकेशन की, वो भी मैं अपने समय में पढ़ा करती थी। तो दो से ज्यादा जरूरत नहीं। एनी मोर क्वेश्चन पीछे से प्लीज, आप लोग तो बिल्कुल ही कट ऑफ से हो गए। मैं ना अपनी कॉपी के पीछे ड्राइंग बनाती थी जहाँ टेबल है, टेबल पे एक नेम प्लेट लगी और मैं, मतलब मेरा ये तरीका होता था मोटिवेट रखने का। देखो मोटिवेशन
रोज नहीं आएगी, याद रखना, इंस्पिरेशन भी रोज नहीं आएगी। इंस्पिरेशन इज समथिंग जो बाहर से आती है, जैसे आज आप लोग रेखा से मिले तो आप लोग इंस्पायर हो गए यार नायक बनना है, बनना ठीक है, या किसी और से मिले यार ये बनना है वो बनना है। इंस्पिरेशन का स्पैन बहुत छोटा होता है। मोटिवेशन स्पैन जो अंदर से आती है, इंस्पायर होके अंदर से मोटिवेट होते हैं हम लोग, नहीं और कुछ करना है करना है, आज ही जाके ओशिंग मैन के कहने पे सिलेबस निकाल दिया, कर लेना प्लीज ऐसा, और अपनी टेबल पे तुम लोगों ने लगा दिया कि चलो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन तुम्हारी जो मोटिवेशन है वो भी नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ह्यूमन नेचर है। तो क्या काम आता है? रूटीन। बड़ा शब्द हो गया ये, बहुत अच्छा शब्द है, एथिक्स में जरूर लिखना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी रूटीन। सब कुछ धुल जाता है, ये मोटिवेशन चली जाती है, इंस्पिरेशन चली जाती है, तो ओनली थिंग लेफ्ट बिहाइंड इज योर रूटीन। मेरा रूटीन है, मेरा डिसिप्लिन है, सुबह उठना था, मेरा चंडीगढ़ में यही था, 6 बजे उठना था उस समय, और लाइब्रेरी जाना था, लाइब्रेरी में क्योंकि जगह नहीं मिलती थी 8 बजे वहां लाइन में, लंबी लाइन में खड़े हो जाना है, नीचे बैठ रहे हैं क्योंकि फ्री वाईफाई है तो फ्री वाईफाई भी लेना है, इंडियन कॉफी हाउस में जा रहे हैं 20 रुपए की औकात है तो कॉफी भी वही पी रहे हैं, ट्रिब्यून का पेपर वहां मिल रहा है, बुजुर्ग है वहां पे तो बुजुर्गों से इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो हम लोग वहां डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई बड़े प्लेटफॉर्म से रिटायर्ड है, तो हमको लगता था इंटरव्यू में मदद आएगी जो